क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ दुनिया कितनी बदल गई है। क्यों, ऐसा क्या बदल गया? अरे मेरे बचपन का दोस्त है विक्की, आज आया हुआ था। कुछ कहा सुनी हो गई क्या तुम्हारे अपने दोस्त से? कहा सुनी तो क्या ही होगी यार, लेकिन आज एक बात पता चल गई, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आंखें खुल गई यार आज। आज सोचा था, तुम्हें बता के भी गया था कि इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, अपनी महफिल सजेगी, दो यार बैठेंगे, बातें करेंगे, दो दो छोटे छोटे पैक लगाएंगे। पता है आज उसने क्या किया? उसने दारू पीने से साफ मना कर दिया यार। कहा वो आदमी दिन रात ना दिन देखता था ना रात, एक झटके में उसने ऐसे बोल दिया। और एक यार मैं हूं, मतलब चलो अच्छा है आपको एहसास तो हुआ, देर से ही सही। सही कह रही हो, छोड़नी पड़ेगी यार। वेरी गुड, तो कब से छोड़ रहे हो पीनी? पीनी? हाँ हाँ। पीनी से क्या मतलब? तुम कह रहे हो ना छोड़नी पड़ेगी। विक्की भैया आंखें खुल गई तुम्हारी। अरे मैं कह रहा हूँ कि इस विक्की से यारी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी यार। किसी काम का नहीं रहा, अब साथ बैठने लायक नहीं रहा ये। हद कर दी इसने यार, मतलब इतनी तुम नहीं सुधर। पता है रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, आप जीतोगे तभी जब आप टाइम से गियर चेंज करोगे। क्यों, सही है ना? गियर छोड़ो तुम अपने गियर बॉक्स की सर्विस करा लो, तुम्हारा तो वही खराब है। हाँ भाई, कम से कम 10 खंभों का जुगाड़ करके रखियो, इस बार होली गांव में मनाएंगे। और मेरे वाला तो तुझे पता ही है स्पेशल कौन सा है, ठीक है ना? चल मिलते हैं फिर, बाय। क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो? होली का महीना है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। क्या हुआ? तुमको देखकर ना एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? एक मोहल्ले में ना रोड कंस्ट्रक्शन का काम आने वाला था, तो वहां पर जो एक कुत्ता था ना वो बड़ा खुश था। तो दूसरा कुत्ता उस खुश कुत्ते को देख के पूछता है, तू इतना खुश क्यों है? अच्छा, तो फिर क्या बोला पहला कुत्ता? तो पहला कुत्ता बोला, मैं रोड की वजह से खुश नहीं हूँ, अब रोड बनेगी तो खंबे तो लगेंगे, तो अपने काम के तो खंबे ही है ना। एक मिनट, इस कहानी से मेरा क्या मतलब है? अब कुत्ते हो या बेवड़े, चाहिए तो सबको खंबे ही ना, रोड से तो किसी को मतलब नहीं है, जैसे होली से तुम्हें मतलब नहीं है ना? क्या यार? चलो अपना काम करो तुम। पता है अपनी पड़ोसन मिसिस अरोड़ा ना कनाडा से आ रही हैं परसों, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं उनके वेलकम के लिए, कैसा रहेगा? अरे हाँ, अरे मैंने उनके लिए बहुत अच्छा सूट लिया हुआ है, ऑफिस में रखा हुआ है, ऑनलाइन मंगा लिया था। आदर्श पति पत्नी वही होते हैं जिसमें पत्नी अपने पति को कभी उदास ना देख सके और पति अपनी पत्नी को कभी खुश। बस बहाना ढूंढ रहे हैं।